राजस्थान जोधपुर 5000 कोटी रूपये विविध विकसन पद्धति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुडक्कम कुरिच्चु रोड रेल व्योमयानम आरोग्यम उन्नत विद्याभ्यासम मेखलकल उल्पेट्टतान पद्धतिकल ट्रेन सर्वीसुकलुम प्रधानमंत्री फ्लाग ऑफ चेय्तु जोधपुर ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रोमा सेंटर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन क्रिटिकल केयर ब्लॉक राजस्थान आरोग्य अडिस्थान सौकर्य शक्ति पद्धति आईआईटी जोधपुर कैंपस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर्पिच्चु रूप चलव अत्याधुनिक क्यापस् निर्मित राजस्थान सेंट्रल यूनिवेटी विविध अस्थान सौकर्य विकसन पद्धति प्रधानमंत्री उद्घाटन बीते 9 वर्षों में 3700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं। जबलपुर तत्समय दृश्य लेके भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए, ये आगे वाले भी कह रहा है, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। जोधपुर पुदुजन रैली अभिसंबोधन चेय्युकयायिरुन्नु प्रधानमंत्री।